हिजबुल्ला बचेगा नहीं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल लेबनान में इसराइल की भीषण हमलेबाजी लगातार जारी है, अटैक किए जा रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, और इतना ही नहीं IDF का हवाई अटैक तो हो रहा है, उसकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है। और ये युद्ध नहीं है तो क्या है, ये युद्ध की घोषणा नहीं है तो क्या है? उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि लगातार इसी तरीके से हमले होते रहेंगे और चुन चुन कर हम निशाना बनाते रहेंगे जब तक हिजबुल्ला खत्म नहीं हो जाता है, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। लेबनान पर IDF लगातार बारूद बरसा रहा है, अटैक कर रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 570 लोगों की जान जा चुकी है, 560 लोगों की माफ कीजिए मौत हो चुकी है, और लेबनान पर इजरायल प्रचंड बारूदी बारिश कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। और उसका कहना है क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से उत्तरी इलाके में अटैक किए जाते हैं तो हम उन हमलों का इंतजार नहीं करेंगे और इस वजह से हम पहले से ही अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा IDF ने तो दावा कर ही दिया है, हम बात PM नेतन्याहू की करें तो इसराइल के PM ने भी साफ घोषणा कर दी है, युद्ध की घोषणा करते हुए कह दिया है कि हम किसी भी अटैक का वेट नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें हवाई हमलों से इसराइल उड़ा रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक से लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है, लोग डर कर भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आधा हिजबुल्ला अब तक साफ हो चुका है, जी हाँ, अब तक आधा हिजबुल्ला तबाह हो चुका है और लगातार हिजबुल्ला पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर एक एक कर ढेर किए जा रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। IDF के हमले में इब्राहिम कुबैसी को भी मार गिराया गया है, वो जो कि रॉकेट का प्रभारी बताया जा रहा है, बैरूत में मिसाइलों का प्रभारी था, कमांडर टॉप बताया जाता था। कुबैसी के खत्म होने से हिजबुल्ला की रॉकेट यूनिट भी तबाह हो गई है और ऐसे में हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं किस तरीके से देर रात अटैक होता है, प्लानिंग की जाती है, रणनीति के तहत रॉकेट दागे जाते हैं और एक और टॉप लीडर खत्म कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजरायली हमलों ने आतंकी संगठन हिजबुल्ला की कमर तोड़कर रख दी है। हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप इजरायल ने पूरी तरह खत्म कर दी है और अब हिजबुल्ला को एक और बड़ा झटका लगा है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम कुवैसी मारा गया है। इब्राहिम कुवैसी का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद कुवैसी ही लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का चीफ कमांडर था। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम कुवैसी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। इजरायली सेना का कहना है इब्राहिम कुवैसी ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी थी और कुवैसी इजरायली सेना के टारगेट पर था। इधर लेबनान के बैरूत में कई जगहों पर इजरायली सेना ने पिन पॉइंट हमले किए हैं। दक्षिणी बैरूत समेत जिहे और सादियात दोनों शहरों पर इजरायली सेना ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई है। लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले से हाहाकार मचा है। इजरायली फोर्स ने लेबनान में ताजा हमले का वीडियो भी जारी किया है। लेबनान में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है तबाही, बर्बादी और सिलसिलेवार इजरायली हमले। पिछले 48 घंटे के अंदर लेबनान पर 2000 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना कर चुकी है। दो दिन के अंदर इजरायली अटैक में लेबनान में 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 2000 लेबनानी भी घायल हुए हैं। इजरायली सेना का मकसद लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला का जड़ से सफाया है। हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने खतरनाक हथियारों से आग बरसाई है।
ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो से हिजबुल्ला को इजराइल तबाह कर रहा है, ताकि उत्तरी इजराइल पर मंडरा रहे विनाश के बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। क्योंकि हिजबुल्ला जब भी हमला करता है वो उत्तरी इजराइल में ही तबाही मचाता है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में इजरायली सेना लेबनान में घुस सकती है। लेबनान में इजरायली फौज ग्राउंड ऑपरेशन से तबाही मचा सकती है, क्योंकि अब सिर्फ हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला बचा है, जिसका नंबर बाकी है, और नसरल्ला इजरायल के सीधे सीधे टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हसन नसरुल्ला सीधे सीधे टारगेट पर है और इस वजह से बौखलाया हुआ है और खौफ में भी है। लेकिन हिजबुल्ला भी शांत नहीं बैठा है। अगर युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो हिजबुल्ला की तरफ से भी काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया गया है। उत्तरी इलाके में लगातार हिजबुल्ला अटैक करता है और इसी वजह से इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है, कभी एक्सप्लोजन करवा रहा है। हिजबुल्ला ने बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं और ये मिसाइल कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, ये मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजता रहा, रात भर सायरन बजते रहे हैं। आयरन डोम ने हालांकि हवा में दो तीन मिसाइलों को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। लगातार रात भर सायरन बजने की आवाज आती रही है। अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से निशाना किया गया, निशाना साधा गया और लगातार अब हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, किस तरीके से हमले किए गए हैं। इजराइल पर हिजबुल्ला का हमला काउंटर अटैक किया गया है। हिजबुल्ला भी अब जंग के मूड में नजर आ रहा है। तेल अवीव पर हमला बोला जाता है और रात भर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी वजह से सायरन भी रात भर बजता रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी इलाका जहां हमेशा से इजराइल में हिजबुल्ला अटैक करता है, जिसको लेकर इजराइल भी बौखलाया हुआ था, उसकी तरफ से अटैक किए गए हैं और हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी गई है। हिजबुल्ला में बैरूत में मिसाइल डिवीजन के चीफ इब्राहिम कुबैसी को मार डाला गया है।